हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जांगीत। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक पीलिंग के कौन कौन से मिथ्स हैं, कौन कौन से डाउट्स होते हैं। ऑर्गेनिक पीलिंग बेसिकली एक तरह का कह सकते हैं कि एक प्रोसीजर होता है जिसमें कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह आपकी स्किन पे लगाए जाते हैं और 5 to 7 मिनट्स का एक कॉन्टैक्ट टाइम होता है और आपकी स्किन की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए वो किया जाता है। काफ़ी लंबी लिस्ट है इसकी कि किस किस कंडीशन के लिए किया जाता है, लेकिन कॉमनली किया जाता है पिंपल्स के लिए, पिगमेंटेशन या फिर ओपन पोर्स के लिए या फिर एज ए एंटी एजिंग। तो इसके कौन कौन से मिथ्स हैं, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मिथ है यह है कि डॉक्टर दीज आर द केमिकल्स कैन कॉज डैमेज टू माई स्किन और नॉट। देखिए, ऑर्गेनिक पीलिंग में बेसिकली क्या होता है कि आपके कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स यूज़ करते हैं जो बेसिकली कह सकते हैं कि ज़्यादा हैस केमिकल नहीं होते हैं। दे आर जस्ट शुगर डेरिवेटिव्स, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया या फिर कोजिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड जो कि मिल्क में होते हैं। तो कुछ कह सकते हैं बेसिक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, इसमें कोई हैस केमिकल नहीं होते, तो उस तरह से स्किन को डैमेज नहीं करते हैं। मोर ओवर दैट डॉक्टर इज सुपरवाइजिंग द प्रोसीजर, सो नो नीड टू वरी फॉर दैट। सेकेंड पे था कि डॉक्टर पील कैन कॉज परमानेंट सेंसिटिविटी टू द स्किन और नॉट। देखिए, सेंसिटिविटी आपके स्किन पे रहती है कुछ दिन के लिए, लेकिन जब आपका टाइम ड्यूरेशन होता है आपका पीलिंग का, जैसे कि 2 to 3 मंथ्स या 4 मंथ्स तक, तब क्या होता है कि 2-3 चीज़ें एक साथ होती है आपके स्किन के ऊपर। फर्स्ट, जैसे कि आप पीलिंग ट्रीटमेंट करा रहे हैं, सेकंड, कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती है, ओरल मेडिसिन भी होती है, जैसे कि रेटिनोइड्स, आइसोट्रेटिनोइड जैसी मेडिसिन आपको स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड होती है कि टॉपिकल कुछ मेडिकेशंस, जैसे कि रेटिनोइड्स में भी होता है ट्रेटिनोइन होता है या फिर कुछ अल्फा हाइड्रोक्सिक एसिड वगैरह होते हैं। ये सारे मिलकर क्या होता है कि स्किन को हल्का सा रिमूव करने का काम करते हैं, स्किन के ड्राई करने का काम करते हैं। तो आपकी जो सेंसिटिविटी होती है उन सब से मिलकर बने होती है, न कि पर्टिकुलर एक पील की वजह से। ओके, हाँ, सेंसिटिविटी रहती है कुछ दिन के लिए, रहती है कुछ सप्ताह रह सकती है, लेकिन कभी भी इससे परमानेंट सेंसिटिविटी कभी भी नहीं रहती है। थर्ड में था कि डॉक्टर पील हमें जो इन्फ्लामेटरी पिंपल्स में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर जो सूजन वाले पिंपल्स हैं उसमें नहीं करना चाहिए। देखिए, पील्स बेसिकली हर कंडीशन के लिए होता है और इवन सूजन वाले जो पिंपल्स है उसके लिए भी होता है, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी पिंपल्स। और स्पेशली जो पिंपल्स, ऐसे पिंपल्स के लिए जो पील होती है उसको बोलते हैं हम रेटिनोइड पील बोलते हैं, या फिर कह सकते हैं कि सैलिसिलिक एसिड पील बोलते हैं। सैलिसिलिक एसिड बेसिकली इन्फ्लामेटरी पिंपल्स में जो सूजन वाला पार्ट है उसको कम करने का काम करती है, ड्राई करने का काम करती है। सिमिलरली जो रेटिनोइड पील होती है जिसको हम येलो पील बोलते हैं, वो भी स्किन को ड्राई करने का काम करती है। तो इन्फ्लामेटरी पिंपल्स में आप बिल्कुल करा सकते हैं। ओके, आपके डॉक्टर डेफिनेटली कर सकते हैं पील्स। फोर्थ डाउट है कि डॉक्टर पील कैन इंक्रीज द डिजीज लाइक पिगमेंटेशन एंड पिंपल्स। देखिए, अगर पिंपल्स की बात करें, अगर ज़्यादा इन्फ्लामेटरी पिंपल्स हैं आपके स्किन के ऊपर तो हल्का सा रेडनेस आपके स्किन पे बढ़ सकता है 2 से 3 दिन के लिए, लेकिन वो पिंपल्स को कभी भी बढ़ाते नहीं है। ओके, तो वो हल्का सा फील हो सकता है कुछ दिन के लिए कि मेरे पिंपल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन वो रेडनेस वाला पार्ट बढ़ सकता है बिकॉज दीज आर ऑर्गेनिक एसिड्स। अगर आपकी स्किन डैमेज से हल्का सा एसिड लगेगा तो डेफिनेटली बॉडी हल्का सा रिएक्ट करता है, लेकिन वो पिंपल के प्रोसेस को कभी नहीं बढ़ाता है। उसी तरह अगर हम मिलास्मा या फिर पिगमेंटेशन की बात करें तो हो सकता है कि आपका जो मिलास्मा पे थोड़ा कम इफेक्टिव हो, लेकिन कभी भी डिजीज़ वाले जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज नहीं करता है। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल थिंग, ये आपका बिल्कुल डाउट नहीं रहना चाहिए। दोनों ही कंडीशन के अंदर कभी भी डिजीज प्रोसेस को पील इंक्रीज नहीं करती है। फिफ्थ मिथ ये है कि डॉक्टर कैन आई टेक ओनली 1 पील, विल इट बी इफेक्टिव फॉर माई डिजीज़। तो देखिए, पील बेसिकली एक तरह का सिटिंग बेस्ड प्रोसीजर होता है जो कि मेरे हिसाब से आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट ही लेना चाहिए उसके लिए। डेफिनेटली 1 पील आपके लिए इफेक्टिव रहेगा, लेकिन एक ऑप्टिमल इफेक्ट को लेने के लिए आपको कह सकते हैं कि पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ओके, मोस्टली जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो 15 डेज से लेकर 1 मंथ में एक सीटिंग होती है, और रफली देखा गया कि 3 to 4 सीटिंग्स या 5 सीटिंग्स के अंदर आपका एक अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा आपको कि आप पूरा ट्रीटमेंट लीजिए। ओके, हो सकता कि 1 पील में उतना इफेक्ट नहीं आए, क्योंकि जो कह सकते हैं कि एक कंटिन्यूस जो ट्रीटमेंट होता है उसका इफेक्ट एड ऑन होता जाता है आपके लिए, तो सब्सिक्वेंट जो सेटिंग्स होगी तो डेफिनेटली उसमें जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा आता है। सिक्स्थ मिथ है कि डॉक्टर दिस इज नॉट अ राइट एज फॉर माय पील। कभी कभार मैं सजेस्ट करता हूँ अराउंड 18 ईयर्स या 17 ईयर्स पे मैं पील सजेस्ट करता हूँ, तो काफ़ी पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि डॉक्टर ये एज सही है या नहीं है इनके लिए पील स्टार्ट करने का। ओके, सो बेसिकली पील आपके, अगर आपका पिंपल्स का Grade 3 या Grade 4 हो और आपका एज 16 प्लस है तो आप पील ले सकते हैं, उसमें एज कोई बार नहीं है उसके लिए। ओके, सो 16 ईयर्स पे आप पील ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के सजेशन पे ही लीजिए। मेरे हिसाब से Grade 1 एंड Grade 2 पिंपल्स होते हैं तो 16 ईयर्स पे मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मेडिकली उसको, या फिर कह सकते हैं कि जो दूसरे प्रोसीजर्स हैं उनसे ठीक करने की कोशिश करें, जैसे क्लिनजिंग हो गया या फिर जो टॉपिकल मेडिकेशंस हो गया या फिर ओरल मेडिकेशंस हो गया। लेकिन हाँ, अगर लगता है कि Grade 3 Grade 4 पिंपल्स हैं या इससे भी ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में आपको पील लेनी चाहिए, आप ले सकते हैं। सेवंथ मिथ ये है कि पील्स आर द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द पिंपल्स एंड पिगमेंटेशन।
देखिए, पील्स आर एड ऑन ट्रीटमेंट्स फॉर द पिगमेंटेशन एंड फॉर द पिंपल्स। ओके, अगर आप कहें कि सिर्फ और सिर्फ पील लेंगे और आपका स्किन ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि जो कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होता है, जो मेडिसिन का या प्लस पील का, ये दोनों मिलकर आपके डिजीज़ को ठीक करने का काम करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि सिर्फ मेडिसिन इफेक्टिव है, डेफिनेटली दे आर इफेक्टिव टिल सर्टेन एक्सटेंट, और पील्स भी अपना एक अलग कह सकते हैं, उसका इफेक्ट होता है, लेकिन अगर आप दोनों को कॉम्बिनेशन करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। और सिर्फ पील्स के ऊपर डिपेंडेंट होना वो भी ठीक नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि डॉक्टर आई वांट टू कम वंस इन अ मंथ एंड आई विल टेक अ पील, इज इट सफिशियंट फॉर माई स्किन और नॉट। नहीं, वो भी जो अप्रोच है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। पील के साथ साथ आपको मेडिसिन लगाना जरूरी है अपने एक ऑप्टिमल रिस्पॉन्स के लिए। एट्स मिथ ये है कि डॉक्टर क्या पील मेरे परमानेंटली ठीक कर देंगे पिंपल्स को या नहीं। तो देखिए, पील्स बेसिकली एग्जिस्टिंग जो पिंपल्स होते हैं या फिर जो कंडीशन होती है उसको ठीक करते हैं। अगर आपके फ्यूचर में अगर पिंपल्स आने वाले होंगे, चाहे साल या दो साल बाद, तो आ सकते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो। लेकिन पील का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके पिंपल्स को ज़्यादा कह सकते हैं कि बढ़ने नहीं देता है। जिस स्टेज में होते हैं वहीं पर उसको सप्रेस कर देता है, ताकि आपका कह सकते हैं कि स्कारिंग ज़्यादा नहीं होता है, पिगमेंटेशन ज़्यादा नहीं होता है। पर हाँ, ये कहना कि पील्स है वो परमानेंटली आपके पिंपल्स को ठीक कर देगा, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। नाइन्थ में थी है कि डॉक्टर आई डोंट वांट टू टेक पील बिकॉज माई फ्रेंड्स एक्सपीरियंस विथ पील वॉज नॉट गुड। तो देखिए, ये हो सकता है कि किसी का जो स्किन का कंडीशन में पील कह सकते हैं कि उतना इफेक्टिव नहीं हो, या फिर उसका गलत इफेक्ट आ जाए, लेकिन उससे इस तरह से कोरिलेट करना कि आपके स्किन पे इफेक्टिव नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। बिकॉज काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो कि हो सकता है कि कोई थेरेपी या फिर मेडिसिन आपके लिए अच्छा काम करे और मेरे लिए उतना अच्छा काम नहीं करे। सो वो चीज़ें वेरी करती है, तो आपका डिसीजन आपके ऊपर होना चाहिए। ओके, आप पील लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो आप पे डिपेंड करेगा, नो बडी इज गोइंग टू फोर्स बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ ए कॉस्मेटिक प्रोसीजर। हाँ, लेकिन इसके बाद में नॉलेज पूरा होना जरूरी होता है। टेंथ एंड बिगेस्ट मिथ कि डॉक्टर मैंने पील कराया था लेकिन मेरा स्किन पील ऑफ नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पीलिंग तो इफेक्टिव हुआ ही नहीं। देखिए, ऐसा नहीं होता है। पीलिंग का जो मेन पार्ट होता है वो दो पार्ट होता है। फर्स्ट होता है स्किन के ऊपर एक्ट कराना, और सेकंड होता है कि पील ऑफ करना स्किन का। ओके, तो काफ़ी ऐसे एसिड्स होते हैं, ऐसे पीलिंग एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं कि आपके स्किन के ऊपर एक पर्टिकुलर जगह पे आपके इस डिजीज़ को कम करने का काम करते हैं। जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड होता है, वो क्या करता है कि आपके स्किन पे जो पिगमेंटेशन बनने वाला जो प्रोसेस होता है उसको कम करने का काम होता है। तो पीलिंग का जो बेस यहाँ पे होता है कि आपके स्किन के ऊपर वो कॉन्टैक्ट में आना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए, जैसे कि 5 to 7 minutes का जो कॉन्टैक्ट टाइम होता है वो होना चाहिए। अमाउंट ऑफ पीलिंग इस पर डिपेंड करता है कि आपका स्किन का स्टेज किस तरह का है या फिर पीलिंग किस तरह का यूज़ किया गया है। तो ओके, काफ़ी ऐसे पील्स होते हैं जिसका कि कह सकते हैं कि जो है वो पीलिंग बहुत नहीं होता है या कम होता है, जैसे कि कोजिक एसिड पील हो गया या एजिलिक पील हो गया या फिर लैक्टिक एसिड पील हो गया, इसमें बिल्कुल पील नहीं होता है। हाँ, एक ये हो सकता है कि आपका फर्स्ट एंड सेकेंड जो आपका पील है उसके अंदर हो सकता है कि आपका पीलिंग ज़्यादा हो, और थर्ड या फोर्थ पील में थोड़ा सा पीलिंग कम हो, क्योंकि अमाउंट ऑफ डेड स्किन इज लेस इन द थर्ड एंड फोर्थ सिटिंग। ओके, तो वो चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये कहना कि पील कराया उसके बाद पील नहीं हुआ और इसका मतलब वो मेरा पील इफेक्टिव नहीं है, तो ये तो ठीक नहीं है। ओके, तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 मिथ्स हमारे जो कि पील के बारे में। होपफुली ये काफ़ी चीज़ें हैं आपकी क्लियर हुई होगी। तो मुझे बताएगी आपने अगर कोई पील किया है और आपने आपका एक्सपीरियंस किस तरह का था, वो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, स्किन हेयर या फिर कॉस्मेटिक कोई भी अगर इस तरह का वीडियो पसंद है, जिसको ऑथेंटिकेटेड वीडियोस पसंद है आपको, तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।